तो दोस्तों बोनशाई जंगल कैसा लगा? सुंदर लगा ना? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल VPN गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों ये बोनशाई जंगल मैंने कुछ दिन पहले ही तैयार किया है और इसे कैसे तैयार करना है इसके लिए मैंने इसके टोटल वीडियो शूट किए हैं और आज आपके सामने वो वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, वो आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहा हूँ कि इस बोनशाई जंगल को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि काफ़ी इस प्लांट को बनाने में, इस जंगल को बनाने में मेहनत हुई है, तो इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिस्प्ले करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों जो हमारी रिवर है उसके अंदर पानी डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें पानी डाल दिया है और दोस्तों इसके पहला जो पार्ट है वो मैं आज आपके साथ डिस्प्ले कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्प्ले करने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जेड बोनशाई का जंगल बनाने के लिए हमें एक प्लास्टिक का गमला चाहिए। ये मैं एक पोट ले रहा हूँ, एक ये स्टोन का टुकड़ा ले रहा हूँ। दोस्तों जो हमारे बीकानेर की जो बजरी आती है उसके अंदर ये निकलते हैं बड़े बड़े, और एक ये रिवर जो ईंट भट्टे के जो खंगर होते हैं उनसे तैयार की हुई नदी। इसे कैसे तैयार करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये कुछ छोटे छोटे हम पत्थर के टुकड़े ले रहे हैं यानी स्टोन। और ये दोस्तों कुछ मेरे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स थोड़ी बाहर निकली हुई है, इनको आज मैं इसके अंदर उपयोग करने वाला हूँ। दो प्लांट आप लगे हुए देख रहे हैं, एक ये मैं उखाड़ के लेके आया हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस स्टोन के ऊपर कुछ प्लांट लगाने हैं। और दोस्तों इस स्टोन के अंदर मैं पहले दो होल गिरा चुका हूँ और इसके अंदर मैं इस प्लांट को लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों अगर होल की बात करूं तो मैंने इसे ड्रिल से निकाला है। ये दोस्तों देखिए हमारा प्लांट बाहर आ चुका है। इसकी जितनी भी रूट्स है, जो छोटी छोटी जड़ें हैं उनको हमें पहले कट कर देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने कुछ रूट्स कट कर दिए, कुछ और कर देता हूं। उसके बाद जो होल हमारा इस पत्थर के ऊपर है, जो स्टोन के ऊपर है, इसके अंदर से डालना है और जो नीचे का हिस्सा है वो सोइल में टच कर देना है इन रूट्स को। तो ये रूट्स दोस्तों जो एक्स्ट्रा है उनको मैं सबको फटाफट रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी रूट्स तैयार हो चुकी है और ये होल सामने देख रहे हो, इसे हमें इसके अंदर से निकालना है बिना इसकी रूट्स को नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों देखते जाइए किस हिसाब से मैं इसको इस होल के अंदर से इसकी रूट्स नीचे निकालता हूं। दोस्तों काफी बारीक काम है, इसे हमें बड़े प्यार से करना पड़ेगा। अगर हमारे प्लांट्स की रूट्स कट हो जाती है तो दोस्तों आने में कुछ दिन लग जाएगी, हालांकि हमारे प्लांट्स को कुछ नहीं होने वाला, ये मरने वाला नहीं है। तो काफी बारीक काम है दोस्तों, इसे हमें आराम से करना है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो एक प्लांट हमारा तैयार हो चुका है, अब दूसरा प्लांट हमें दूसरी साइड और लगाना है। इसकी रूट्स जो नीचे निकल चुकी है इसे हमें सोइल के अंदर डाल देना है।
तो दूसरा होल और देख रहे हो आप, इसके अंदर मैं एक प्लांट और लगा देता हूँ दोस्तों। ये प्लांट ले रहा हूँ और इसको इस होल के अंदर मैं इसकी रूट्स निकालते हुए नीचे सोइल में ले जाता हूँ। तो दोस्तों इसकी रूट्स देखिए काफ़ी लंबी है और फटाफट इसके होल में से इसको निकाल लेता हूँ। इसके होल थोड़े से बड़े हैं दोस्तों, ये आराम से निकल जाएगा। ये देखिए एक साइड निकल चुकी है, इसी हिसाब से ये रूट्स दूसरी साइड में निकाल देता हूँ। दोस्तों इस प्लांट की भी रूट्स मैंने इसके अंदर डाल दी है होल के, ये देखिए आप नीचे निकली हुई है। एक दो रूट्स दोस्तों मैं इसके साइड में से निकाल देता हूँ, ये जो सामने देख रहे हो इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ताकि इसका जो लुक है वो और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। ये दोस्तों एक रूट्स मैंने बाहर निकाली है, इसको यहाँ मैं एरियल रूट बना देता हूँ। और नीचे वाली है जो दोस्तों ये अंदर वापस चली गई, इसको थोड़ा सा हमें वापस खींचना पड़ेगा। चलिए मैं इसको वापस निकाल लेता हूँ, जो रूट्स हमारी इस होल के अंदर वापस ऊपर आ चुकी है इस चिमटी की सहायता से दोस्तों मैं पकड़ रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों आ चुकी है ये बाहर। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो सामने हमारा जो स्टोन है, जो हमारे बोनसाई प्लांट की पहाड़ी है, वो तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों इस पॉट को मैं मिट्टी से भर लेता हूँ, इसके ड्रेनेज होल से मिट्टी ना निकले इसके लिए मैं एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा डाल रहा हूँ इसके अंदर। और इसके अंदर मैं साधारण गार्डन सोइल और थोड़ी मात्रा में दोस्तों गाय की पुरानी गोबर की खाद मिक्स हुई वो डाल रहा हूँ, उसके अलावा कोई भी आइटम मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। हमारा पॉट आधा भर चुका है। अब दोस्तों इसके अंदर जो हमने रिवर बनाई है उसको हमें फिट करना है, इसे हमें टेढ़ा लगाना है न कि सीधा लगाना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारी रिवर है, उसके नीचे हमें मिट्टी पूरा भर देना है ताकि जब पानी दे तो ये नीचे न खिसके। तो दोस्तों हमारी रिवर सेंट हो चुकी है। अब इसके साइड में मैं मिट्टी डाल देता हूं और जो हमारी पहाड़ी है उसे मैं यहां एक साइड में सेट कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों इसको मैं यहां सेट कर रहा हूं एक साइड में, और दूसरी साइड है वो दोस्तों हम खाली ग्राउंड छोड़ने वाले हैं, उसमें नीचे मिट्टी में प्लांट्स लगाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों अभी जो रूट्स है इसे हमें मिट्टी के अंदर डाल देना है। ये देखिए मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, कार्य हमें बड़े ही आराम से करना है, इसकी जो रूट्स है वो डैमेज न हो जाएं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों हमारे प्लांट सेट हो चुके हैं, ये देखिए अब हमें दूसरी साइड वर्क करना है। तो यहाँ भी मैं थोड़ी सी मिट्टी को जमा देता हूँ दोस्तों, ताकि एयर स्पेस न रहे। यहाँ दोस्तों मैं कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगाने वाला हूँ, एक ये होल है दोस्तों इसके अंदर भी प्लांट्स लगाऊंगा, एक ये दूसरा होल है। ये जब मैंने रिवर तैयार की थी तो इसके अंदर मैंने ये कुछ स्पेस छोड़ दिए थे, इसके अंदर हम छोटी छोटी घास लगाने वाले हैं जिससे लुक शानदार आ जाए, और वो घास आप सामने देख रहे हो दोस्तों। तो इनकी एक एक दो दो मैं ब्रांचें निकाल लेता हूँ और इसके अंदर हमें सेट कर देना है। दोस्तों हमें ज़्यादा बड़ी घास नहीं लेनी है, छोटी छोटी घास, एक दो टहनी सिर्फ
इतनी ही लगानी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर से इसके टोटल कट कर दिया है और इसकी जो ग्रोइंग वाले जो नोड्स है उसको मैं इस होल के अंदर से बाहर निकाल रहा हूँ। कुछ दिन में ये अपने आप ग्रो होके थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और इसकी जो रूट्स है दोस्तों, इसके ऊपर हमें मिट्टी डाल देनी है। बड़ा ही प्यार से कार्य करना है दोस्तों। देखिए इस होल के ऊपर जो ग्रो होने वाला हिस्सा है उसको मैंने ऊपर हवा में छोड़ा है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ और इसको मैं वाटरिंग भी कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों साथ की साथ वाटरिंग करते रहिए क्योंकि जो रूट्स है वो सूख ना पाए। और ये दूसरी बड़ी घास ले रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ बड़ी की बड़ी ही लगा देता हूँ इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे, ताकि इसका भी लुक एकदम शानदार हमें दिखे। और इसके अंदर जो सोयल है वो मैं भर देता हूँ। तो दोस्तों दो से तीन जगह मैं और ये ग्रास लगाने वाला हूँ। ये देखिए एक और जो हमने होल निकाला था उसके अंदर यहाँ मैं डाल देता हूँ। और एक जो साइड में दोस्तों, यहाँ मैं एक और इसी ग्रास को एक और जगह लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो साइड में इस रिवर के आगे स्पेस बचा हुआ है उसके अंदर इसको मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों साथ के साथ मैं इसको पानी दे रहा हूँ और एक ग्रास दोस्तों इस साइड लगा देता हूँ मैं। रिवर के दोनों कॉर्नर पे ये ग्रास काफ़ी सुंदर लुक बना देगी दोस्तों। ये देखिए मैं इस साइड इस पहाड़ी के नीचे लगा रहा हूँ ताकि जो लुक है वो और भी खूबसूरत हमें दिखे। अब दोस्तों हमें इसमें बोनशाई प्लांट लगाने हैं। जो जेड प्लांट मैंने आपको दिखाए थे, इसको इस जो ग्राउंड है इसमें हम दो लगाने वाले हैं। एक इस कॉर्नर पे लगा देता हूँ, एक दूसरे कॉर्नर पे। ये देखिए दोस्तों, और इसकी जितनी भी रूट्स है दोस्तों उसे मिट्टी के अंदर डाल दें, ओपन रूट नहीं रहनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सोइल और ऐड कर देता हूँ मैं। इस कॉर्नर पे मैं दूसरा प्लांट लगा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दूसरे की रूट्स आप देख रहे हो, इसे हमें मिट्टी के अंदर लगा देना है। दो प्लांट्स दोस्तों हमने ग्राउंड में लगाए हैं, दो प्लांट्स हमने जो पहाड़ी बनाई है हमने उसके ऊपर लगाए हैं। तो चार प्लांट्स हमने टोटल इसके अंदर ग्रो किए हैं दोस्तों। ये देखिए अभी मैं इसको पूरा का पूरा मिट्टी से भर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जंगल तैयार हो चुका है। दोस्तों ग्रास एक जगह और लगा देता हूं मैं, इस जगह स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है और जिसके कारण थोड़ा लुक है वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखना चालू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं यहां दबा देता हूं, इसकी रूट्स है उसको इस मिट्टी के अंदर दबा देता हूँ। दोस्तों इस प्लांट पत्थर के नीचे कुछ स्पेस है, उसके अंदर हमें सोइल थोड़ा और ऐड कर देनी है। तो मैं फटाफट इसके अंदर सोइल डाल देता हूं और उसके बाद हमें वाटरिंग करनी है इसके अंदर। दोस्तों इस प्लांट में हमें हमेशा के लिए फव्वारे से ही पानी देना है, डायरेक्ट पानी नहीं देना।
हमने जो रिवर इसके अंदर बनाई है उसके अंदर आप डायरेक्ट पानी दे सकते हो, वो सीमेंट से बनी हुई है तो वहाँ से पानी रिसते हुए इस प्लांट के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इस प्लांट पे पहला कार्य। अब इस प्लांट को कम से कम 1 से 2 महीने ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो होती रहे, और उसके बाद जब हम इसकी कटिंग करके एक बोनसाई जंगल तैयार करेंगे तो उसका लुक काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जो आपको रूट्स बाहर दिखाई दे रही है, यहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर और डाल दें। और दोस्तों कुछ दिन इस प्लांट को इंडोर रखना है, आउटडोर रखेंगे तो जो पत्थर है वो गर्म होगा जिससे ये रूट्स जल सकती है। एक बार इन रूट्स को यहाँ डेवलप होने दीजिए आप छांव में रख के, और उसके बाद आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से सेकंड पार्ट का लिंक देख सकते हैं जो लगभग 2 महीने के बाद ग्रोथ के बाद हमने तैयार किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पहला पार्ट आप देख रहे हो, दूसरा पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।